हेलो, वेलकम टू एसपी कॉमर्स क्लासेस। आज हम स्टार्ट करेंगे एडवांस टैक्स का लेक्चर नंबर टू। ओके, पहले हम एडवांस टैक्स का लेक्चर नंबर वन देख लेते हैं, जो मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोग को पढ़ाया था। सो एडवांस टैक्स का मतलब क्या? ठीक है, जो हम अपने प्रीवियस ईयर का अमाउंट है उसका टैक्स हम अपने ही प्रीवियस ईयर में पे करते हैं। जैसे 2016 और 17 का टैक्स हमें पे करना था 17 और 18 में, बट यही 16 17 का टैक्स हमने इसी ईयर में पे कर दिया, तो उसको हम क्या कहेंगे? ये हमारा एडवांस टैक्स है। ठीक है ना? नाउ सो एडवांस टैक्स में मैंने आपको बताया था कि हमें क्या क्या सीखना है। तो हमें दो चीज़ें समझनी थी कि ड्यू डेट क्या होगा और कितना अमाउंट पे करना है। ठीक है, तो ये हमने पहले वाले लेक्चर में देख लिया था, मतलब ये वाले लेक्चर में। और इंटरेस्ट और पेनल्टी, यानी कि इंटरेस्ट कितना चार्ज होगा अगर आप ये सब चीज़ें नहीं करते हैं तो। ओके, सो हमने लास्ट लेक्चर में ड्यू डेट देख लिए थे, और ड्यू डेट थे सेक्शन 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर एंड 15 मार्च। ये हमारे ड्यू डेट थे, और उसके ये परसेंट है 15%, 45%, 75% एंड 100%। राइट है, तो ये अमाउंट जो है ये क्यूमुलेटिव अमाउंट था। क्यूमुलेटिव इन द सेंस पहले वाले परसेंट को सेकंड वाले परसेंट को प्लस करके था। सो एग्जैक्टली हमें 15 जून को पे करना था 15%, 15 सितंबर को पे करना है हमें 30%, बट ये दोनों को प्लस करके जो अमाउंट आएगा उसको हम 45% यहाँ कह रहे थे। ठीक है, देन सेम वे दिस 45 एंड प्लस 30, ये दोनों का टोटल यहाँ पर आ रहा था 75। राइट है, देन 75 प्लस 25, ये दोनों का टोटल यहाँ आ रहा था। राइट है, और ये हमारे ड्यू डेट थे और ये हमारे परसेंट थे कि कितना हमें पे करना है। राइट है ना, अब हम उसके आगे की बात करते हैं कि पेनल्टी कितनी चार्ज होगी या कौन सी चीज़ें पेनल्टी पे लगेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पेनल्टी इन द सेंस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट के केस में मैंने आपको तीन सेक्शन बताए थे। पहला सेक्शन 234A। अब देखते हैं सेक्शन क्या कहता है। ठीक है, ये सेक्शन कहता है कि अगर आपने इंटरेस्ट पेड किया है, सॉरी, अगर आपने एडवांस टैक्स पेड किया है आरओआई के डेट के बाद, मतलब रिटर्न ऑफ इनकम यानी रिटर्न फाइलिंग करने के बाद, तब आपके ऊपर ये पेनल्टी लगेगी। तो हम एक सिंपल सा लिख लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन एडवांस टैक्स आफ्टर द लास्ट डेट ऑफ आरओआई, रिटर्न ऑफ इनकम। अगर आपने रिटर्न ऑफ इनकम के डेट के बाद अपना एडवांस टैक्स पे किया है, तब उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट चार्ज हो जाएगा। राइट है, अच्छा ये तो क्लियर हो गया। अच्छा, कितना परसेंट चार्ज होगा और इसके कितने महीने के हिसाब से चार्ज होगा हमें वो समझना है। ठीक है, अब इसका एक छोटा सा फॉर्मूला है, सिंपल सा। जो भी आपका टैक्स अमाउंट होगा, ठीक है, टैक्स अमाउंट इनटू 1%, ये 1% जो है ये पर मंथ के हिसाब से है, इनटू नंबर ऑफ मंथ। अब इसको हम एग्जांपल से समझेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। सपोज कीजिए, फॉर एग्जांपल आरओआई की डेट है 31 जुलाई 2017, मान लेते हैं। ठीक है, ये हमारे आरओआई की डेट है। हमारा जो टैक्स अमाउंट है वो है 1 लाख रुपए का, बट हमने एडवांस टैक्स जो है वो पेड किया 31 दिसंबर 2017 को। ठीक है, अब ये दोनों में डिफरेंस कितना आ गया, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिफरेंस आ गया 3 मंथ का। राइट है, सो 3 मंथ का हमारा डिफरेंस आ गया। तो सिंपल से हम फॉर्मूला यूज़ कर देंगे, टैक्स अमाउंट कितना है 1 लाख रुपये, तो 1 लाख पे 1% फॉर 3 मंथ, तो ये आ जाएगा आपका इंटरेस्ट 3000 रुपीज़ का। राइट है, सिंपल सा है था ये। ओके, तो ये हो गया आपका सेक्शन 234A। राइट है, मैं एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो सेक्शन 234A क्या कहता है, इंटरेस्ट ऑन एडवांस टैक्स आफ्टर द लास्ट डेट ऑफ आरओआई। ठीक है, आरओआई के लास्ट डेट के बाद अगर आप इंटरेस्ट टैक्स एडवांस टैक्स पे करते हो तो उस पर इंटरेस्ट चार्ज होगा।
कितना चार्ज होगा, जो भी आपका टैक्स अमाउंट होगा उसके ऊपर 1% फॉर दी वन मंथ, और ऐसे नंबर ऑफ मंथ पे हम कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर मान लीजिए 15 डेज आपको लेट होता है, 2 मंथ एंड 15 डेज, तभी भी हम 3 मंथ ही कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। सो याद रखिएगा आप नोट, 2 मंथ 15 डेज इज इक्वल टू 3 मंथ, इवन 2 मंथ 1 डे भी हो गया तभी भी हम 3 मंथ ही मानेंगे। तो ये आपको याद रखना है, इम्पॉर्टेंट नोट है ये। ओके, कि यहाँ पर डेज अगर उस मंथ में चला गया तो आप उस मंथ को भी कैलकुलेट करोगे, यहाँ पर राउंड फिगर करना ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, तो सेक्शन 234 ये पहला सेक्शन था, आगे बढ़ते हम सेक्शन 234 बी की तरफ। चलिए, सेक्शन 234 बी। ओके, अब ये सेक्शन क्या कहता है, सेक्शन 234 बी कहता है कि अगर आपने एडवांस टैक्स पे किया है लास्ट ईयर के एंड के बाद, फॉर एग्जांपल पहले मैं लिख लेता हूँ आपको समझाना क्या है, इंटरेस्ट ऑन एडवांस टैक्स आफ्टर लास्ट डेट ऑफ प्रीवियस ईयर। सो आपके प्रीवियस ईयर के लास्ट डेट के बाद अगर आपने एडवांस टैक्स पेड किया है तो उस पर इंटरेस्ट चार्ज होगा, ठीक है ना। अब अगर सपोज कीजिए कि हमारा प्रीवियस ईयर है 2016 और 17, तो हमारा लास्ट डेट क्या होगा, 31 मार्च 2017। अगर ये डेट के बाद आपने पेमेंट किया तो इसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज हो जाएगा, ठीक है। सो फॉर्मूला क्या है, सिंपल सा फॉर्मूला, वही आपका टैक्स अमाउंट इनटू 1% फॉर पर मंथ इनटू नंबर ऑफ मंथ, राइट है। नाउ अब एक एग्जांपल लेके समझते हैं इस प्रॉब्लम को। फॉर एग्जांपल आपका लास्ट डेट जो है वो था 31 मार्च 2017, ठीक है, और आपने एडवांस टैक्स पेड किया है 31 जुलाई 2017 को, ठीक है, और आपका टैक्स अमाउंट जो था वो था मान लीजिए 1 लाख रुपए का, तो सेम चीज़ टैक्स अमाउंट कितना है, 1 लाख इनटू 1% नंबर ऑफ मंथ, देख लीजिए यहाँ से लेके यहाँ तक, सो मार्च से लेके जुलाई, अप्रैल मई जून एंड जुलाई इज़ फॉर द 4 मंथ, तो होल अमाउंट आपका आ गया इंटरेस्ट का इज 4000 रुपीज़। ओके, सो ये हो गया आपका सेक्शन 234 बी, राइट। और सेम वे हम एक लास्ट सेक्शन देखेंगे, सेक्शन 234 सी। सेक्शन 234 सी, चलिए देखते हैं सेक्शन क्या कहता है। सेक्शन 234 सी कहता है कि अगर आपने एडवांस टैक्स का पेमेंट नहीं किया तब क्या होगा। पहले वाले दोनों केस में तो आप पे कर रहे हो लेकिन डेट के बाद, यहाँ पे तो आप पे ही नहीं कर रहे हो, तब क्या होगा, ठीक है ना। सो इंटरेस्ट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स, अगर आपने एडवांस टैक्स का पेमेंट नहीं किया है तो कितना चार्ज होगा, ये देखना है। सिंपल सा फॉर्मूला है, सेम फॉर्मूला है, जो भी आपका टैक्स अमाउंट होगा, ठीक है। बट यहाँ पर जैसा आपने हमारा लेक्चर नंबर 1 देखा था, तो लेक्चर नंबर 1 में मैंने बताया था कि हम जो पेमेंट करते हैं वो ड्यू डेट के हिसाब से करते हैं इंस्टॉलमेंट में, तो हम यहाँ पर टैक्स अमाउंट ना लिख के टैक्स अमाउंट का इंस्टॉलमेंट लिखेंगे। सो इंस्टॉलमेंट ऑफ एडवांस टैक्स, तो एडवांस टैक्स का जो भी इंस्टॉलमेंट था
इंटू 1% पर मंथ इंटू मंथ, ठीक है ना। तो ऐसे जितने भी इंस्टॉलमेंट होंगे, फॉर एग्जांपल अगर आपने जून में जो पे करना था आपने नहीं किया तो उस पर 3 मंथ का, फिर आगे के महीने का जो भी आपने पेमेंट नहीं किया उसके ऊपर चार्ज होता जाएगा, यानी कि जितनी बार आपने इंस्टॉलमेंट नहीं पे किया उतनी बार ये चार्ज होता जाएगा। इसके लिए हम एक न्यूमेरिकल सम देखेंगे जिसमें हमें एग्जैक्ट समझ में आ जाएगा कि सेक्शन 234A, 234B और 234C कैसे कैलकुलेट करते हैं। चलिए, सो ये है हमारा इलस्ट्रेशन 8 जो आपके बुक के लिए क्वेश्चन नंबर 1 है, जो पहला सम मैं सॉल्व कर रहा हूँ। चलिए देख लेते जरा। ABC लिमिटेड हैज़ एस्टिमेट्स इट्स टैक्स पेएबल इज़ ₹1 लाख। अच्छा, टैक्स कितना पे करना था? 1 लाख। एंड द कंपनी हैज़ पेड एडवांस टैक्स एज गिवन बिलो, और कंपनी ने जो पेड किया है 15,000, 45,000, 75,000 और 1 लाख पे कर दिया है, ठीक है। ओके, हावेवर द कंपनी हैज़ कंप्यूटेड इट्स टैक्स पेएबल इज़ ₹1,80,000। अच्छा, कंपनी को 1,80,000 पे करना था टैक्स, बट कंपनी ने 1 लाख किया, यानी 80,000 कम किया। एट द टाइम ऑफ फाइलिंग द रिटर्न ऑफ इनकम कंप्यूट इंटरेस्ट पेएबल बाय द कंपनी सेक्शन 234C। तो हमें सिर्फ सेक्शन 234C पूछा है, तो चलिए कैलकुलेट करते हैं जो हमें एग्जांपल समझना था। पहला हम लिखेंगे हमारा ड्यू डेट क्या था। सो हमारे पास 4 ड्यू डेट्स है, 15 जून 2016, 15 सितंबर 2016, 15 दिसंबर 2016 एंड 15 मार्च 2017, क्योंकि ये हमारा क्या है, प्रीवियस ईयर है, ठीक है ना। ये ड्यू डेट में से पहले तो आप पता करो आपको पे कितना करना है, ठीक है ना। सो एडवांस टैक्स मैं यहां पे लिख रहा हूं एक्चुअल, एक्चुअल इन द सेंस जो आपको एक्चुअल में पे करना था। तो हमारा एडवांस टैक्स जो सम में दिया है वो है 1,80,000, और मैंने आपको पहले परसेंट बताया था, तो 1,80,000 का 15% पहले पे करना है, 1,80,000 का 45%, 1,80,000 का 75% और 1,80,000 का 100%, ये हमें पे करना है गवर्नमेंट के हिसाब से। चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं जरा। एटी थाउजेंड का 15% ये आ जाएगा आपका 27,000। सो ये अमाउंट आ गया आपका 27,000। चलिए नेक्स्ट आ जाएगा आपका 1,80,000 का 45%, ये आ जाएगा आपका 81,000। सेम वे 1,80,000 का 75%, 1,35,000 और 1,80,000 का 100% इज़ 1,65,000।
80,000। तो ये हमें एक्चुअल में पेड करना था, बट हमने पेड कितना किया। अब हम देखते हैं पेड अमाउंट, पेड एडवांस टैक्स जो हमने पेड किया। अब जैसे आप सम देखेंगे तो सम में ऑलरेडी हमें बता दिया है कि हमने कैसे पेड किया है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 15,000, 45, 75, 1 लाख। तो यहाँ पर हमने पेड किया 15,000, यहाँ पर 45,000, 75,000 एंड 1 लाख। ठीक है, सो अब हम दोनों का डिफरेंस ले लेंगे। डिफरेंस इन द सेंस, मान लीजिए कि आपका कॉलम नंबर ए है, ये आपका कॉलम नंबर बी है, ये कॉलम नंबर सी है। तो हम अभी कर रहे हैं बी माइनस सी, तो बी वाले कॉलम से सी वाले कॉलम को माइनस कर दीजिए। सो 27,000 में से 15,000 आप माइनस कर दीजिए, तो ये आ जाएगा आपका 12,000। ठीक है, देन 81,000 में से 45,000 माइनस कर दीजिए, तो आपका आ जाएगा 36,000। 1,35,000 में से 75 माइनस कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा 60,000, राइट। और दोनों का डिफरेंस यहाँ पर आ जाएगा 80,000, यानी इतना अमाउंट आपने कम पे किया था। ठीक है, इसके ऊपर कितना परसेंट, हम डायरेक्ट डिफरेंस पे परसेंट यूज़ कर लेते हैं। परसेंट जो लगेगा वो लगेगा 1%, 1%, 1% एंड 1% इनटू मंथ। सो अब ध्यान दीजिएगा, ये डेट से ये डेट के बीच में 3 मंथ का डिफरेंस है, इसीलिए पहले चार्ज हो जाएगा 3 मंथ, देन वापस से 3 मंथ, देन वापस से 3 मंथ। ठीक है, बट 15 मार्च से 31 मार्च यानी कि 1 मंथ यहाँ पर अलग से चार्ज होगा। जैसा मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर 15 डेज का मतलब भी 1 मंथ ही हम मानेंगे, या 1 डेज का मतलब भी हम 1 मंथ ही मानेंगे। सो तो ये हो गया था आपका डी वाला कॉलम, अब इसको मानते ई वाला कॉलम। तो ई में ये हमारा ई का कॉलम हो गया, तो हमारा आंसर कैसे आएगा एफ वाले कॉलम में। तो ये हो गया आपका परसेंट, ये आ जाएगी आपका इंटरेस्ट अमाउंट, कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा डी वाले ई वाले कॉलम को, सॉरी डी वाले कॉलम को आपको इनटू करना है ई वाले कॉलम से, मतलब 12,000 इनटू 1% इनटू 3 मंथ। सो ये आ जाएगा आपका 360 रुपीज़, राइट है। 12,000 पे 1% में इसका मतलब 120 इनटू 3, सो 36,000 का 1%, तो ये आ जाएगा आपका 360 रुपीज़, और फॉर द 3 मंथ तो इनटू 3, तो ये आ गया 1080। ठीक है, देन सेम वे 60,000 का 1% मीन 600 फॉर 3 मंथ, तो ये आ जाएगा 1800 रुपये। एंड 80,000 का 1% मीन्स 800 पे 1 मंथ इज 800। सो टोटल अमाउंट जो आएगा, जो हम आपको पे करना है, टोटल इंटरेस्ट चेक कर देते हैं, 800 प्लस 1800 प्लस 1080 प्लस 360, होल अमाउंट आ गया आपका 4040। तो ये आ जाएगा आपका एज पर सेक्शन 234C इंटरेस्ट का अमाउंट। सो एज पर सेक्शन 234C इंटरेस्ट इज पेबल रुपीस 4040। सो सिंपल सा था ये सम, राइट है। एक सम और हम देखेंगे जिसमें हमें क्लियर हो जाए कि हम तीनों सेक्शन देख लें, सेक्शन 234A भी देख लें, 234B भी देख लें और 234C भी देख लें। तो ये तो मैंने सिर्फ एक ही सॉल्व करके बताया था आपको,
आगे हम तीनों सेक्शंस की बात करते हैं। चलिए एक और, एक से हम और कर लेते हैं, आप ये लिख लीजिएगा स्क्रीन पॉज करके। ओके इलस्ट्रेशन 9, एबीसी लिमिटेड हैज टैक्स लाइबिलिटी 7 लाख रुपीज। ठीक है, टैक्स लाइबिलिटी है 7 लाख रुपीज फॉर द प्रीवियस ईयर 16-17। ठीक है, एंड द कंपनी हैज नॉट पेड एनी एडवांस टैक्स। अच्छा, कंपनी ने एडवांस टैक्स पेड किया ही नहीं है। द एंटायर टैक्स अमाउंट वॉज पेड बाई द कंपनी ऑन 31/12/17। अच्छा, कंपनी ने पेड कब किया था? 31/12/17 वैन फाइलिंग इट्स रिटर्न। इन दिस केस इंटरेस्ट शैल बी कैलकुलेटेड इन द मैनर गिवन बिलो। ओके, अब पहले तो हमें सेक्शन 234 ए की बात करेंगे, उसके बाद बी पे जाएंगे, फिर सी पे जाएंगे। तो पहला जो है सेक्शन 234 ए कहता है कि अगर आपने रिटर्न फाइलिंग के डेट के बाद पेमेंट किया है तब आपके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज होगा। तो इंटरेस्ट आफ्टर ROI, रिटर्न ऑफ इनकम के बाद। ठीक है, अब पहले तो ये बताओ सर ROI का डेट क्या है। देखिए यहाँ पर सम में तो नहीं दिया है, बट अगर सम में दिया है तो वो फॉलो करेंगे, नहीं दिया है तो हम फॉलो करेंगे 31 जुलाई 2017। ठीक है ना, अगर आप नेक्स्ट ईयर के लिए देख रहे हो तो 31 जुलाई 2018 हो जाएगा। ओके नाउ, तो ROI हो गया हमारा 31 जुलाई 2017। अब हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे। फॉर्मूला क्या था? जो भी आपका टैक्स अमाउंट होगा, टैक्स अमाउंट इनटू 1% इनटू नंबर ऑफ मंथ। ठीक है, तो टैक्स अमाउंट हो गया आपका 7 लाख रुपीस। 7 लाख पे 1% फॉर नंबर ऑफ मंथ। अब नंबर ऑफ मंथ का मतलब, अब देखिए उसका पेड डेट क्या है, जिस दिन उसने पेड किया है, पेड है उसका 31/12/2017। तो ये डेट से लेके ये डेट का डिफरेंस, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, ये डेट से ये डेट का डिफरेंस कितना होगा? तो जुलाई तो ऑलरेडी हो चुका है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी 5 मंथ। तो यहाँ पर हम ले लेंगे 5 मंथ। सो 7 लाख का 1% मीन्स 7000, और 7000 पे 5 मंथ, इसका मतलब हो जाएगा 35000। ये हो जाएगा आपका इंटरेस्ट पहला वाला। ओके, अब बात करते हैं हम सेक्शन 234B, इंटरेस्ट आफ्टर लास्ट डेट ऑफ प्रीवियस ईयर, राइट है। तो प्रीवियस ईयर का हमारा लास्ट ईयर का डेट होगा 31 मार्च 2017, क्योंकि हमारा प्रीवियस ईयर हमने क्या माना है, 16 और 17। ठीक है ना, अच्छा ये डेट तक देना था, बट उसने पेड करने की डेट हमें दी हुई है 31/12/17। ठीक है ना, तो ये डेट से ये डेट तक कितने मंथ हो गए, कैलकुलेट कर देते हैं। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 9 मंथ। सो 9 मंथ का कैलकुलेशन होगा इस अमाउंट पे। चलिए फॉर्मूला, टैक्स अमाउंट इंटू 1% इंटू नंबर ऑफ मंथ। तो टैक्स अमाउंट हो गया 7 लाख रुपीस, 7 लाख पे 1% फॉर 9 मंथ। तो कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा आपका 63,000 जो आपको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। एंड लास्ट आ जाएगा आपका थर्ड सेक्शन
234C, इंटरेस्ट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स। क्योंकि इसने पेमेंट किया ही नहीं है, तो हम पहले कैलकुलेट करेंगे कि इसका कितना पे करना चाहिए था। सो जो कि हमारा ड्यू डेट है 15 जून 2016, 15 सितंबर 2016, 15 दिसंबर 2016 एंड 15 मार्च 2017। ये तो ड्यू डेट बन गए। ओके, टैक्स अमाउंट जो है, एडवांस टैक्स अमाउंट, वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इनकी टैक्स लायबिलिटी थी 7 लाख रुपीस। तो 7 लाख्स, 7 लाख्स, 7 लाख्स एंड 7 लाख्स, ठीक है। इस 7 लाख्स पे जो पे करना है वो है पहले 15%, देन 30%, सॉरी हम दोनों को प्लस करके लेंगे, 45%, 75% एंड 100%। चलिए, सो 7 लाख्स पे अगर हम कैलकुलेट करते हैं 15%, सो 7000 × 15 इज 1,05,000, ठीक है। तो आपका अमाउंट आ गया 1,05,000, आपको पे कर देना चाहिए था। ये आपका एडवांस टैक्स का अमाउंट है, ठीक है। देन सेम वे 7 लाख्स को 7 लाख्स का 45%, ये आ जाएगा 3,15,000, ये इतना अमाउंट आपको पे कर देना चाहिए था। देन सेम वे 7 लाख्स का 75% इज 5,25,000 एंड लास्ट आ गया आपका 7 लाख्स का 100% इज 7 लाख्स। इस अमाउंट में से आपने कुछ भी नहीं पेड किया है, इसके लिए इस अमाउंट पे 1%, इस अमाउंट पे भी 1%, देन ये अमाउंट पे भी 1% और ये अमाउंट पर भी 1%। कितने मंथ के लिए आपको याद रखना है, ये थ्री मंथ एंड लास्ट इज 1 मंथ। ओके, चलिए, सो आपका इंटरेस्ट अमाउंट जो आएगा 1,05,000 पे 1%, 1,05,000 पे 1% मीन्स 1,050 और उसका 3 मंथ, तो इंटू 3 इज 3,150, ठीक है ना। सेम वे 3,15,000 का 1% इज 3,150, उसके ऊपर 3 मंथ, 9,450, ठीक है। सेम वे 5,25,000 जो अमाउंट है उसका 1% इज 5,250 और उसके ऊपर 3 मंथ, इज 15,750, एंड लास्ट अमाउंट है 7 लाख्स पे 1% इज 7,000 और उस पर 1 मंथ इज 7,000। चलो सबको प्लस कर देते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा टोटल इंटरेस्ट। चलिए प्लस कर देते हैं, तो 7,000 + 15,750 + 9,450 + 3,150, तो टोटल आ जाएगा 35,350। तो ये आ गया आपका
इंटरेस्ट का अमाउंट जो आपको टोटल पेड करना है। तो ये हो गया आपके सेक्शन 234A, 234C, 234B एंड 234C। सिंपल सा था ये, ठीक है, आप लिख लीजिएगा ये। ओके, थैंक यू सो मच।